समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। सरकार द्वारा कमलेश तिवारी के परिवार से किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में प्रदेश सरकार खिलाफ नारे लगाए। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी के परिवार से किए वादों को पूरा न करने के एवं उत्तर प्रदेश में बलात्कारों के मामले में हैदराबाद जैसी कार्रवाई करने के संबंध में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन देकर आए हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु जोशी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कमलेश तिवारी के परिवार को जो वादे किए गए थे, जिनमें 50 लाख रुपए नकद, लखनऊ में एक आवास, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व पिस्टल का लाइसेंस देना तय हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया। योगी सरकार, तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। के संबंध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वर्गवासी श्री कमलेश तिवारी जी, जो हमारे हिंदू समाज पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके हत्यारों को अभी तक फांसी नहीं दी गई है और जो योगी सरकार ने मांगे की गई थी उसमें से अभी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। जैसे कि 50 लाख रुपए के लिए मुआवजा बोला गया था, एक लखनऊ के अंदर आवास बोला गया था, एक पिस्टल का लाइसेंस बोला गया था, एक सरकारी नौकरी बोली गई थी, उसमें कुछ भी योगी सरकार ने अभी मदद नहीं करी है। और हैदराबाद वाली घटना, जिसको मैं सराहना देता हूँ, पुलिस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बलात्कारियों के लिए उन्होंने इतना बड़ा एक्शन उठाया, ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को भी उठवाना चाहिए। पुलिस को स्वतंत्र करना चाहिए और बलात्कारियों की सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 साल की बच्ची जिसने कुछ नहीं देखा, उसकी बलात्कार करके हत्या करने, तो उन लोगों को खुली चेतावनी है कि उनको फांसी ही होनी चाहिए, अन्य सारी सजा नहीं होनी चाहिए।